कुछ लोगों से मुझे ऐसा भी आया था कि मनीष रुक जाओ मत करो ये। मनीष जी, सनी देओल जब जब स्क्रीन पर आते हैं तो हमेशा डायरेक्टर्स की, फिल्म मेकर्स की टेंशन यही बढ़ती है कि विलेन किसको ले। 90s में जब सनी देओल आते थे तब हमारे पास शानदार विलेन्स थे, जी हमारे पास डैनी थे, हमारे पास अमरीश पुरी साहब थे जी जिन्होंने घायल या काफी गदर काफी में काम किया है सनी जी देओल के जी अगेंस्ट। जी इस बार आपको कास्ट किया गया था तो क्या आपको तभी लग गया था कि अब दिस इज द बिगेस्ट रोल ऑफ माई लाइफ? हाँ, ये तो मुझे लगा था। मैं सच बताऊँ, मुझे लगा था कि ये तो भाई कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ चेंज आए हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि कहीं कुछ लोगों से मुझे ऐसा भी आया था कि मनीष रुक जाओ मत करो ये। अच्छा। हाँ, कि मतलब गदर है, 22 साल के बाद आ रही है, पता नहीं क्या होगा। अभी अनिल शर्मा जी भी उस तरह से वैसे नहीं रहे जो एक उनका एक नाम, मार्केट एक में रुतबा एक्टिव भी नहीं था है। हाँ। मार्केट में, और अभी उतना उतने एक्टिव भी नहीं है। नहीं। अब आई डोंट नो किस तरह से होगा, और पता नहीं मुझे एक बात यहाँ बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। फिर सनी पाजी भी हैं, अभी वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं नहीं रहे कर रहे। हैं, तो अमीषा पटेल भी कुछ नहीं हाँ, कर मतलब रही, जितने भी कोई लोग भी नहीं। हैं तो हाँ ये किस तरह से होगा। हाँ मैंने कहा कोई नहीं, गदर है ना, अगर मुगले आजम होती, हाँ शोले होती, क्योंकि कुछ गिनी चुनी 10-8-10 फिल्में हैं जो आइकॉनिक हाँ फिल्म्स हैं, तो उसमें गदर एक है जो गदर ने पूरे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो लोग किस तरह से इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो वो मैंने देख अभी देख भी लिया सबने कि किस हाँ तरह से इमोशनली सब जुड़े हैं। तो ये मेरा अभी जो ये वो डिसीजन था, हाँ फैसला था, बिल्कुल सही था।